एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो आपका हर मील हेल्दी होना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट हेल्दी होने के साथ साथ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, चाहे खुद के लिए कुछ स्पेशल ही क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हमेशा मुझे कहती हैं कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कहाँ टाइम मिलता है खुद के लिए कुछ स्पेशल करने का। उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। एनीवेज, किसी दिन बहुत बिजी हों और स्पेशली खुद के लिए कुछ कुक नहीं कर सकते, तो बिना कुक किए भी हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हेल्दी हों, टेस्टी हों और जिनमें टाइम भी कम लगे। तो ऐसे ही 5 ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट रेसिपी, विच इज़ ओवरनाइट ओट्स। क्योंकि ये रोल्ड ओट्स नहीं है, इसलिए आप इनको क्विकली भी बना सकते हैं या फिर ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हैं। लेकिन प्लेन ओट्स लें, कभी मसाला ओट्स ना लें। तो उसके लिए जार में पहले हम डाल देंगे ओट्स 1/2 कप और साथ ही डाल देंगे 1/2 कप कर्ड। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिया सीड। चिया सीड को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसे रात को ही सोक कर देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और बस इसे ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे और सुबह के लिए आपका ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है। और सुबह जब आप इस कप को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि ओट्स और चिया सीड अच्छे से सोक हो चुके हैं। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें अपनी चॉइस के फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, 2 टेबल स्पून प्रोटीन पाउडर विच इज़ टोटली ऑप्शनल, यू कैन ऐड हनी, देन ऐड सम मिल्क एंड योर हेल्दी ओट्स ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। ओट्स एक ग्लूटेन फ्री होल ग्रेन है जिसमें इंपॉर्टेंट वाइटामिन, मिनरल, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वीक में 3 मील आपके ओट्स के होने ही चाहिए ड्यूरिंग वेट लॉस। सेकेंड रेसिपी इज पफ्ड राइस। उसके लिए एक बाउल में हम सबसे पहले लेंगे 1.5 कप पफ्ड राइस, साथ ही उसमें डालेंगे कटी हुई कैप्सिकम, कटे हुए अनियंस, साथ ही ऐड करेंगे टोमेटोज, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स, साथ ही ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, साथ ही ऐड करेंगे लेमन जूस और आपका हेल्दी और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेडी है। क्योंकि ये लो कैलोरीज एंड फैट फ्री ब्रेकफास्ट है तो वेट लॉस में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बट हो सकता है ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक फुल फील ना करवाए, सो यू कैन हैव एनी फ्रूट व्हेन यू आर हंग्री। नेक्स्ट रेसिपी इज ग्रीन स्मूदी। स्टार्टिंग योर डे विद ग्रीन ब्रेकफास्ट स्मूदी इज अ ग्रेट वे टू गेट एनर्जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पालक के पत्ते, साथ ही डालेंगे कुछ धनिया पत्ता, खीरे के कुछ पीसीज, अपनी मर्जी का फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड कर रही हूँ बनाना, पपाया। 1 कप डाल देंगे हम कर्ड का, साथ ही ऐड करेंगे प्रोटीन पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड करें थोड़ा सा पानी और इसे ग्राइंड कर लें। योर ग्रीन स्मूदी ब्रेकफास्ट इज रेडी। ग्रीन स्मूदी के अमेजिंग रिजल्ट्स आप देख सकते हैं अगर आप इसे 30 डेज तक कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देती है और नेचुरल वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। फोर्थ रेसिपी इज स्प्राउट सैंडविच। उसके लिए हम लेंगे 1/2 कप ऑफ स्प्राउट्स, साथ ही डालेंगे एक बॉयल किया हुआ पोटैटो क्रश करके। 3 से 4 पोटैटो हमेशा बॉयल करके अपने फ्रिज में रखें, क्योंकि ये हमेशा किचन में काम आने वाली वेजिटेबल है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये फिलिंग आपकी रेडी हो गई है। स्प्राउट सैंडविच इज़ ईजी एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट, क्योंकि स्प्राउटेड सीड्स में हाई फाइबर कॉन्टेंट होता है जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लास्ट रेसिपी इज़ अवोकाडो एग सैंडविच। अवोकाडो में बनाना से भी ज़्यादा पोटाशियम होता है एंड लोडेड विद फाइबर एंड फैटी एसिड्स, और इस सैंडविच में ये बाइंडिंग का काम भी कर रहा है। लेकिन अगर आपको अवोकाडो अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन ऐड मेयो इन वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो अब किसी नाइफ की हेल्प से हम अवोकाडो को अच्छे से पील कर लेंगे और उसके बाद इसको क्रश करके ऐड करेंगे। इसी तरह से हम बॉयल एग को भी अच्छे से क्रश करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कटे हुए अनियंस, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ ही डालेंगे ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, तो आपकी फिलिंग रेडी है। इसके बाद इसे होल व्हीट ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करें एंड इन्जॉय योर हेल्दी सैंडविच।